हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद साइंस में। दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास फिजिक्स क्लास 10th की है, ठीक है। और जो भी बच्चे इससे पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं वो जाइए प्ले लिस्ट में देखिए, न्यू बेस्ट क्लास 10th फिजिक्स के नाम से है वो आपकी प्ले लिस्ट। और नहीं तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप प्यार से देख लीजिए, ठीक है। वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट भी रहने वाली है, ठीक है। तो क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना, कहीं भी छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। तभी आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैंने बता दिया आज की जो क्लास है वो 10th क्लास फिजिक्स, ठीक है। और जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो हमारा चैप्टर चल रहा है पहला, उसी में हम लोग आगे टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। इससे पहले जो टॉपिक हो गए हैं उनको आप जाके देख लीजिए, ठीक है मेरे भाई। चलो तो यहां पर हम लोग देखेंगे, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब देखो इससे पहले की क्लास अगर आप में से जितने भी बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके प्लीज आप उस क्लास को देखिए, बहुत जरूरी होना बहुत जरूरी हो गया है ये चीज को आपको देखना समझना। कि कहने का मतलब क्या है कि अगर उस क्लास को आप देखते हैं तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी जाके आप वहाँ क्लास को जाइए, आप देखिए, बिल्कुल भी क्लास को छोड़िए मत, ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें मैं समझा पाऊँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग जो दोनों में संबंध पढ़ने वाले हैं, हालांकि यहाँ मैं आज सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करूँगा, ठीक है, किसकी बात करूँगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होती है उसकी मैं बात करने वाला हूँ। डेरिवेशन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिए, अभी मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं जो हमारा फॉर्मूला इनमें जो संबंध है, इससे पहले हम लोगों ने सारा जो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं सबको, जैसे फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस तल क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया है, तो जाके उसको आप प्लीज देख लीजिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सारी चीज़ें देखा है। और यहाँ पर देखो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या मीन जो हमारा फोकल लेंथ होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उनमें क्या रिलेशन होता है। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज समझाया था, यहां पर मान लो हम क्या करते हैं, एक हम अवतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक है, हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये इसका क्या है पोल है। और यहां पर इसको हम मान लेते हैं ये इसका क्या है, इसको हमने मान लिया ये क्या है इसका वक्रता केंद्र, ठीक है, क्या है इसका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। बातें समझ में आई। तो यहां पर अब आगे हम देखेंगे, अब यहां से मान लो कि कुछ रेज यहां से पास हो रहे हैं, ठीक है, यहां से इस पर, यहां से आकर के यहां पर क्या हो रही है, इस पर इंसिडेंट हो रही है, तो यहां से इंसिडेंट होने के बाद क्या होती है, यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है, इस तरीके से ये किरण भी यहां आती है और इस तरीके से यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, बात को अच्छे समझते हुए चलना, ठीक है। चलो और फिर यहाँ से कुछ रेज जाती हैं और यहाँ से फिर इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं, और फिर कुछ रेज जाती हैं यहाँ से और फिर क्या होता है, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होती हैं। तो आपने देखा जिस पॉइंट पर सारी किरणें परावर्तन पश्चात मिल रही होती हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है मुख्य फोकस, वो क्या होता है हमारा मुख्य फोकस होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा मुख्य फोकस होता है। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी क्या होती है, फोकस दूरी,
क्या होती है, फोकस दूरी। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, चलो मैं इसको यहाँ से ले ले रहा हूँ, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, आर है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर मैं इन दोनों में कंपेरिजन करूँ तो हमको एक चीज़ समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं एक चीज़ तो क्लियर हो ही रहा है कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी है, जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी है, समझ में आ रही बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बीचों बीच पार्ट्स में, मतलब वक्रता केंद्र जो है हमारा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो इसके बीच वाले पार्ट में वो क्या मिल रहा है, मुख्य फोकस मिल रहा है, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, हमारी फोकस दूरी हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर है। तो हालांकि मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा आपको ये चीज़ बता दूँ ताकि आपको एक आइडियाज लग जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो बच्चे क्लास को नहीं भी देखे उनके भी समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो हमको अब क्या दिखाई पड़ा, इसका मतलब यह है कि फोकस दूरी जो होती है, ठीक है, फोकस दूरी मीन फोकल लेंथ इक्वल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू, मतलब फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, वक्रता त्रिज्या अपॉन में क्या हो जाएगा, टू। मीन इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल आर अपॉन टू, हमारा ये क्या बन गया फार्मूला, हमारा फार्मूला यही है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है उसका फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल आर अपान टू, मतलब जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर है, आप ये बोलो या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए ताकि अभी जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊँ तो आप फॉर्मूले को अप्लाई कर सको। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, एफ इक्वल आर अपान टू, हमने यहाँ क्या देखा, एफ इक्वल आर अपान टू, और अगर मुझे R बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ हो जाएगा। हमारा एक फार्मूला ये भी तो मिल गया, एक फार्मूला हमारा क्या है, एफ इक्वल आर अपॉन टू, और एक फार्मूला हमारा क्या है, R बराबर 2F। इसका मतलब चाहे हम, मतलब इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, पहला क्या बोल सकते हैं, दूरी के केस में, मतलब फोकस दूरी के केस में अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर मैं ये भी बोलूँ, ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, दोगुनी होती है। तो बात तो वही हुई, ये दुगना हुआ तो आधा हुआ और आधा हुआ तो दुगना हुआ, बात तो वही हुई ना, समझ में आ रही बात है। तो बिल्कुल अपने दिमाग में एक चीज चिपका लेना है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको फिगर बना के समझाया, यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है और यहाँ पर हमारा मुख्य फोकस बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, मीन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो हमारी क्या होती है, फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो देख पा रहे हैं आप, फोकस दूरी क्या है, आधी तो है वक्रता त्रिज्या की, समझ पा रहे मेरी बातों को। चलो अब यहाँ पर देखो, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, इस पर बेसिस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आते हैं। तो देखो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, देखो मैं अगर आपसे कुछ क्वेश्चन क्या देगा, आपसे देगा कि एक, अब उसमें आपको बोल देगा अवतल है या उत्तल है, ठीक है, कोई भी दर्पण दे देगा, मान लो बोल देता है एक अवतल दर्पण, ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, मान लो दे देता है वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया, मान लो दे देता है 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर, मतलब आपका आर इक्वल कितना है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी बताइए, क्या पूछ रहा है आपसे, फोकस दूरी बताइए, मीन आपसे एफ पूछ रहा है, तो हमको पहले से पता है, बहुत सिंपल सा फंडा, एफ इक्वल हम लोग क्या करेंगे, आर अपॉन टू कर देंगे, तो एफ इक्वल आर कितना है 25 अपॉन 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है, तो ये बराबर कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर, बहुत ही क्लियर है। अब देखो बोला क्या है, दर्पण कौन सा बोला है, अगर दर्पण अवतल बोला है, दर्पण अगर अवतल बोला है तो फोकस दूरी आपकी क्या आ जाएगी, फोकस दूरी आपकी आ जाएगी एफ स्क्वल माइनस 12.5 सेंटीमीटर, मतलब माइनस का 12.5, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस बात को आप सबको याद रखना है, अपने दिमाग में चिपका लेना है, ठीक है, फोकस दूरी का मान अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है,
और उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है। इस बात को दिमाग में चिपका लो, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब मान लो, अब क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी दे देता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन मान लो ऐसे दे दिया कि एक दर्पण है, ठीक है, एक दर्पण है जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी मान लो उसने दे दिया, जिसकी फोकस दूरी कितना है कुछ भी मान लो भाई, 13 सेंटीमीटर दे दिया। कितना दे दिया? 13, और साथ में बोल दिया कि -13 सेंटीमीटर है, कि एक दर्पण है जिसकी फोकस दूरी क्या है, -13 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या बताइए उसकी, मीन आर बराबर क्या करना है हमें निकालना है। तो हम लोग पहले से जानते हैं एफ इक्वल आर अपॉन टू होता है, क्लियर है सबको। तो आर बराबर हमें निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2f। हमें ये फार्मूला मिल गया। अब इसी फार्मूले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो हमें वैल्यू मिली है उसको पुटअप कर देंगे। तो 2f की वैल्यू कितनी है, 13, ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा आर बराबर, कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो हमारी वो जो वक्रता त्रिज्या निकल गया है 26 सेंटीमीटर। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि दर्पण की प्रकृति क्या होगी, दर्पण की प्रकृति क्या होगी, भाई सवाल तो आपका, क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही था कि एक दर्पण की फोकस दूरी -13 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या और प्रकृति बताइए। तो वक्रता त्रिज्या तो हमने निकाल लिया, और बोल रहा है प्रकृति बताइए। तो प्रकृति क्या होगा, अगर फोकस दूरी हमारी निगेटिव आई है, मैंने भी जस्ट बताया था आपको, तो हमारा दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा मेरे भाई। कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो यार लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है। आप लोग को पढ़ने मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, आप लोग देखिए, ठीक है। और इसको हम लोग देखो कैसे करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन आपका कह रहा है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो मतलब आपका सीधा सा क्वेश्चन डायरेक्टली दिया, डायरेक्टली आंसर खट से निकल के आ जाएगा। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, एक अवतल दर्पण मतलब 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण है और जो उसकी वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या मीन आर कितना है, 40 सेंटीमीटर। कितना दिया भाई, 40 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि फोकस दूरी बताओ, मीन एफ बराबर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। एफ बराबर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो क्या होता है, एफ स्क्वल आर अपान टू, तो एफ स्क्वल आर की वैल्यू कितनी है, 40 अपान 2, कितना आ जाएगा एफ स्क्वल 20 सेंटीमीटर। और भी किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि मैंने भी जस्ट आपको बताया था कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, जस्ट मैंने आपको बताया। तो इसलिए फोकस दूरी कितना आ जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल के आता है भाई, पढ़ लो, काम देगा, बहुत ही काम देगा, ठीक है। बिल्कुल आप इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। तो बहुत ही जल्द देखो कितना आसानी से एक सवाल आपका लग गया चुटकियों में, ठीक है। मैं इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा, और भी जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे इस चैप्टर के, ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे सबको मैं बताऊंगा, ठीक है। और जो आपका बेसिस होता है 1 अपान v + 1 अपान u, इस पर भी जितने भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होंगे सारा मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। तो मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा आगे की क्लासों में। तो इसलिए आप लोग क्लास को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको क्लासेस प्रॉपर तरीके से मिल पाए, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो भाई, ठीक है। चलो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे की जो मैं क्लास करवाऊँ वो आपसे मिस ना हो मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप क्लास मिस ना करो। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। तो यहां पर बोल रहा है कि दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है, कैसा है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी दिया है वो कितना दिया है,
15 सेंटीमीटर दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए, तो आर बराबर आपसे पूछ रहा है, तो जस्ट आर बराबर हम लोगों ने पढ़ा था 2f, तो आर बराबर 2 कितना हो जाएगा, 2 × 15, इट मीन्स 30 सेंटीमीटर इज हमारा, ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हमारी जो वक्रता त्रिज्या आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गया, 30 सेंटीमीटर। बड़ा प्यार से ही आपका आंसर निकल के आपके सामने आ गया। ठीक है भाई, तो चीज़ें आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रह भी गया हो तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा है, अपनी समस्याओं मतलब अपनी बातों से उसको भर दीजिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम कमेंट जरूर करना यार, आप लोग कमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि आप लोग क्लास को देखते हो और अपनी प्रतिक्रिया देते हो हमें, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोग के लिए भी, क्योंकि आप लोग जब लाइक वगैरह कर भी देते हो और कमेंट, मेरे लिए तो मुझे लगता है कमेंट आप लोग जब करते हो तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए। ठीक है, कमेंट आप लोग जरूर कीजिए, इससे क्या होता है हमारा भी हौसला अफजाई होता है, और जब आप लोग हमारे हौसले को बढ़ा के रखोगे यार, तो फिर आप लोग के लिए क्लास इस तरीके से अच्छी अच्छी लाते रहेंगे और आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने का मेरा मन भी करेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बना के रखिए, अपना प्यार बना के रखिए, हम आपके साथ हैं, आपकी पढ़ाई को हम जितना अच्छे से ले चल सकेंगे, जहाँ तक ले चल सकेंगे वहाँ तक ले चलेंगे। आप लोग का बस प्यार चाहिए, आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, बस यार और क्या चाहिए। ठीक है, चलो फिर, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल में पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और ऑप्शन आल वाले जो आप सब्सक्राइब करते हो तो आल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया करो, ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँ प्राइस रिलेटेड कोई भी होता है तो मतलब सबका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो बच्चे क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आल वाले को नहीं प्रेस करते, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो आप जब सब्सक्राइब करो तो आल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो होंगी सब आपके पास पहुंचेगी। लेकिन जब आप केवल सब्सक्राइब करते हो तो आपने जिस तरीके के वीडियोस को सब्सक्राइब किया, सिर्फ उसी तरीके की आपकी वीडियोस मिलती हैं। सपोज मैं आपको फिजिक्स या फिर मतलब कोई पढ़ाने वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको वो वाली वीडियो पहुंच उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन सपोज मैं थोड़ा सा हट के अगर वीडियो बना दूँ, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी हो, ऐसे में कुछ बताना आपको चाहूँ, ठीक है, भाई तो मैं कभी कभी होता है उसको नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो बहुत ज़रूरी होता है जो आप सब्सक्राइब करो, आल वाले ऑप्शन को जरूर प्रेस करना। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।